अभी सेकेंड वीडियो में देखो, पहले वीडियो में हमने देखा था कि ये आयरन बार लिया, इसको मैग्नेटाइज किया और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैग्नेटाइज करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इंटेंसिटी कितने भी बढ़ा दी है तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो उस पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सैचुरेशन पॉइंट। ओके, ए पॉइंट को नाम क्या दे दिया, सैचुरेशन। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच है उसको ज़ीरो कर दिया। तो उनको क्या लगा कि ये जो आयरन बार है इसमें का भी मैग्नेटिक इंडक्शन ज़ीरो हो जाएगा, मगर उनको सरप्राइजिंगली देखा कि वो ज़ीरो नहीं हुआ। तब इन्होंने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़ीरो था अभी इसको रिवर्स में लेके गए। ओके, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉइंट को देते हैं सी पॉइंट। इस पॉइंट पे उन्होंने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंडक्शन था बी, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमको पूरी तरह से उसमें का मैग्नेटाइजेशन बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये मैग्नेटिक इंडक्शन इंटेंसिटी जो है ना उसको रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ किया। तो फिर से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कहाँ तक गया, एक सैचुरेशन पॉइंट तक गया जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, डी। ये सेम सिमिलर था किस किस तरह, ए की तरह डी भी सिमिलर हो गया। जिस तरह से ए में, ए पॉइंट में पहुंचने हमने देखा कितना भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर भी उन्होंने देखा जब हम रिवर्स में जा रहे हैं तो कितना भी रिवर्स ले गए तो इस पॉइंट के बाद उसका सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इन्होंने क्या किया, फिर से इंटेंसिटी इंक्रीज़ करना शुरू किया। कहाँ तक इंक्रीज़ किया, ई तक। तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने क्या देखा, स्टिल इसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, पूरी तरह से ज़ीरो हो गया। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, अगेन मैग्नेटिक इंडक्शन को इंक्रीज़ किया, ये इस तरह आ गया, इसको पॉइंट क्या दे दिया, एफ़। सो जैसे ही इधर आ गया तो इससे क्या मतलब हो गया, एच भी है और मैग्नेटिक इंडक्शन भी है। फिर इसको और इंक्रीज़ करने के लगे, सो ये ग्राफ बन गया, ये लूप बन गया, ए बी सी डी ई एफ ए। इस कंप्लीट साइकिल को कहते हैं हिस्टरेसिस साइकिल। इसमें एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया, व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, देखा कि ए पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट कब मिला, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के बाद भी डी इंक्रीज़ नहीं हुआ। फिर दिस एच को ज़ीरो कर दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ज़ीरो कर दिया, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, बी तक ही आया। उनको क्या लगा, मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, बट मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुआ। तो दिस ओ बी पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, रिटेंटिविटी। अब इस मैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी तरह निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इस इंडक्शन को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो एट द पॉइंट से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस आयरन बार में का जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक इंडक्शन था, वो पूरी तरह से ज़ीरो हो गया। सो सी ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया उन्होंने कोर्सिविटी, सी ओ ई आर सी आई वी आई टी वाई, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या बताता है कि रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज करने के बाद उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज़ किया, किसको, दिस मैग्नेटिक इंडक्शन, दे सॉ दैट अगेन दैट दे सॉ दैट इट इज़ ए सैचुरेशन पॉइंट। ओके, इसके बाद कितना भी इंडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, मगर इंडक्शन किस में था, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव में। फिर
अभी इसको इंक्रीज किया इंडक्शन को, सो दे गॉट दैट इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, मगर कब तक? नेगेटिव डायरेक्शन में. फिर इसको इंक्रीज किया इंडक्शन को, सो दे थॉट दैट अगेन इट विल दिस मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम्स जीरो. सो इन ऑल दिस प्रोसेस व्हाट वी सी दैट इन ऑल दिस फिगर ए बी सी डी एफ ए मैग्नेटाइजेशन पीछे रहता है, किससे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड से. ओके, इस सारे के सारे प्रोसेस में हमने क्या देखा? मैग्नेटाइजेशन जो है ना पीछे रहेगा, तो लैग्स कहते हैं. मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच. थस द लैगिंग ऑफ दिस इंटेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड हिस्टरेसिस. ये जो पीछे रहने का जो प्रोसेस है किसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज हिस्टरेसिस. और जो पाथ है ए बी सी डी ई एफ, इसको क्या पाथ दे दिया नाम उन्हें? हिस्टरेसिस लूप या हिस्टरेसिस कर्व. इस पाथ को क्या नाम दिया? हिस्टरेसिस लूप बताया या हिस्टरेसिस कर्व बताया. ओके, तो मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को भेज दिए हैं पीडीएफ फाइल्स में. जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा का वैसा लिखा हुआ है, उसको और एक बार पढ़ो और जो मैंने वीडियो दिया है उसको एक बार सुनो, तो ये तुमको समझ में आ जाएगा. तो ये कंप्लीट हुआ हिस्टरेसिस लूप. तो ए बी, ये जो लूप है ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो लूप है इसको कहेंगे हिस्टरेसिस लूप या हिस्टरेसिस साइकिल. सो हिस्टरेसिस साइकिल क्या बताता है? इट विल एक्सप्लेन यू हाउ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये पूरा साइकिल, इस साइकिल से हमें क्या मालूम पड़ा? इन दिस साइकिल वी केम टू नो दैट दिस इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ओके, लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच. मतलब बी क्या होगा? ये कभी भी लैग्स रहेगा, किससे? एच से. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक हिस्टरेसिस. इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक हिस्टरेसिस. अब रिटेंटिविटी क्या है? एक छोटे छोटे डेफिनेशन से अभी और एक बार समझ लो. रिटेंटिविटी इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो. व्हाट इज रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो. ओके, कोर्सिविटी किसे कहेंगे अभी? कोर्सिविटी, इट इज द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए जो रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया जाता है उसको कहते हैं कोर्सिविटी. ये फिगर में हम देख रहे हैं सी ओ, इसको हम क्या कहेंगे? कोर्सिविटी. ओ बी इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी. व्हाट इज हिस्टरेसिस कर्व? इट इज अ ग्राफिकल प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. जब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक साइकिल में डालते हैं मैग्नेटाइजेशन के, तो उस साइकिल के अंदर जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको हिस्टरेसिस कर्व कहते हैं. क्लियर हो गया? व्हाट इज हिस्टरेसिस लॉस? हाँ, हिस्टरेसिस लॉस क्या है? ये एनर्जी लॉस है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. अभी जो लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो फॉर्म हीट के फॉर्म में जनरेट होगा. और जब भी मटेरियल हिस्टरेसिस बिहेव करेगा वो लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द साइकिल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो लॉस जो है वो किस फॉर्म में जनरेट होगा? हिस्टरेसिस लॉस इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये हुआ अपना स्टडी ऑफ दिस हिस्टरेसिस लूप, हिस्टरेसिस साइकिल. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द परमानेंट मैग्नेट.